प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चार क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उपकरण, ठीक है, जिनसे हम काम करते हैं। तो हमने पढ़ा था इसके टाइटल बार के बारे में, मेनू बार, टैब्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, डॉक्यूमेंट विंडो, रूलर बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। तो मैं आपको इन सारी की सारी चीज़ों को एक बार फिर से बता देता हूँ प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे हैं, और हम इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस तरह से हम शब्दों की फॉर्मेटिंग करते हैं, उनकी एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने के तरीके मैंने आपको बता दिए थे। एक तो स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं, एक तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो डेस्कटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन बना हुआ है तो वहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं। ये फाइल्स हैं जो मैंने यहाँ पे सेव कर दी हैं, देखो ये W बना हुआ है तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का आइकन नहीं मैंने बनाया हुआ बाहर, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च बार बोलते हैं इसको, सर्च बार से शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ही इसको ढूंढ के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ड 2013, ठीक है। हम लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल मेन्यू रहेगा, यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे टैब्स रहेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे है, हर एक टैब के अंदर इसकी अपनी स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट विंडो है यहाँ पे, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार रहेगी और हॉरिजॉन्टल नीचे आएगी यहाँ पे, अगर पेज का साइज बड़ा कर देंगे हम तब, ठीक है। और ये हमारे पास रूलर है, ठीक है, पेज की सेटिंग देखने के लिए हम कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और नीचे जो है बिल्कुल ठीक नीचे ये है स्टेटस बार है, ठीक है। स्टेटस क्या दिखा रहा है कि पेज वन है हमारे पास, वर्ड जीरो है अभी यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। और पेज की जो साइजिंग है वो ये देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेंटर में कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, हम जो काम करते हैं शब्दों का, जो भी हम काम करते हैं लिखने का, वो होम टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले फॉन्ट सेक्शन को, मैं आपको ये फॉन्ट सेक्शन यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो माय नेम इज विकास एंड आई रीड इन नाइन्थ क्लास, ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, जब भी हमने कोई स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना है शब्दों के ऊपर, या कोई कलर अप्लाई करना है या साइज बदलना है, तो इन्हें हमें सबसे पहले करना होता है सिलेक्ट। एक तो हम ये देखो माउस का ये जो पॉइंटर है ना, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से इसको, ठीक है। और दूसरा मेथड है कि यहाँ पे हम क्लिक करें और कीबोर्ड से एक शिफ्ट की होती है उसको दबाएँ, और एरो कीज होती हैं नीचे उनको दबाएँ, तो इस तरह से ये भी सिलेक्ट करने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट। अब मैं इनका चाहूँ तो जो मर्जी साइज़ भी चेंज कर दूँ, या ये देखो साइज़ बदल दिया मैंने, यहाँ से मैंने इनका ये देखो स्टाइल चेंज कर दिया, जो स्टाइल आप चाहते हैं वो स्टाइल जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तरह तरह के हैं, कर्सिव भी हैं, अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। फिर से मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, ठीक है। ये है साइज़ यहाँ से बदला मैंने, और यहाँ से मैंने स्टाइल बदला इनका, ये देखो ये मोटा करने के लिए, ये मोटे हो गए, ये टेढ़े भी हो गए थोड़े से, और तिरछे हो गए, ये अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तीनों बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन भी मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने हटा दिए, फिर से हटाने हो तो फिर क्लिक किया और हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और कलर करने के लिए ये देखो फॉन्ट कलर है, ये फॉन्ट कलर है, और ये आता है यहाँ पे एक ये यहाँ पे, ठीक है। इनको बोलते हैं हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, ठीक है। ये अक्षरों का रंग बदलता है, ये अक्षरों के पीछे का जो एरिया होता है उसका रंग बदलता है, हाईलाइट करता है उसको, ठीक है। तो अक्षरों का रंग बदलना हो तो हम यहाँ से बदल सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ये रंग हमने यहाँ से बदला, ये छोटा सा एरो बना होता है इसके ऊपर, इस तरह तरह के रंग आते हैं, हम बदल सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो हर एक शब्द का रंग भी अलग बदल चेंज कर सकते हैं, हर एक अक्षर को अलग अलग रंग में हम चेंज कर सकते हैं, ये देखो,
ठीक है, जरूरी नहीं है, जो सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। ये फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मान लो हमने इसके इन्हें हाईलाइट करके दिखाना है, तो हाईलाइट के लिए भी इस तरह से बैकग्राउंड में ये देखो ब्राउन कलर दिखा दिया मैंने, ठीक है, ब्राउन की जगह कोई और कलर दिखाना है तो यहाँ से हम और भी कलर दिखा सकते हैं। ये कलर दिखा दिया, ठीक है, ये हाईलाइटर है, इनको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, तो हाईलाइटर को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे और बचता है हमारे पास एक स्ट्राइक थ्रू है, यानी कि अक्षरों के ठीक बीच में एक लाइन लगाना। ये देखो ये स्ट्राइक थ्रू है, ये अंडरलाइन अलग है और ये स्ट्राइक थ्रू जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन के अंदर। और भी चीज़ें इसके अंदर, ये देखो तरह तरह के स्टाइल बदलना, टेक्स्ट इफेक्ट डालना, ये तो है ही है हमारे पास। इसके अलावा इसके अंदर और भी चीज़ें, ये देखो छोड़ी दी, देखो अक्षरों में शेडो आ रही है, देखो परछाई सी बन रही है अक्षरों की, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ना वैसे वहाँ पे स्टाइल जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से हम इनके लिए टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि इनको बोलते हैं हम टाइपोग्राफी, ठीक है, इसको भी अप्लाई करके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं हम कट कॉपी पेस्ट की। मान लो इस लाइन को हमने यहाँ जैसे मूव करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कट वाले, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कट किया, यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको पॉइंटर को नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं हम, ठीक है। ये नीचे लेके जा रहा हूँ, मान लो हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ से कर दूंगा इसको अब पेस्ट। इसको बोलते हैं मूविंग, कट पेस्ट से होती है मूव, ठीक है। कट पेस्ट से क्या होती है, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो लाइन लिखी हुई है, चाहे वो फाइल है या फोल्डर है, वो हो जाते हैं मूव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था फोल्डर के केस में, ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने इसको मूव नहीं करना है, इसकी एक और कॉपी बनानी है, यहाँ पे भी रह जाए, ठीक है, और ऊपर भी, यहाँ पे भी रह जाए, यहाँ पे भी चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी। अब मैं कट नहीं करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, ठीक है। अब यहाँ जैसे चाहिए तो यहाँ पे करूँगा मैं माउस से क्लिक और यहाँ से कर दूँगा मैं इसको पेस्ट। तो इस तरह से इसकी दो कॉपीज बन जाएंगी। तो ये कट कॉपी और पेस्ट बोलते हैं इनको हम, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे। तो अब हम करेंगे अपने इस MS Word के डॉक्यूमेंट को सेव। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे अब फाइल मेनू के ऊपर, फाइल मेनू के अंदर हमारे पास सेव कमांड सेव करने के लिए, उसके बाद जाएंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर हम करेंगे ब्राउज, ठीक है। ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसे सेव करेंगे किसी ड्राइव के अंदर। तो मैं जा रहा हूँ अब ड्राइव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा पहले फोल्डर, ठीक है। फोल्डर का मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने फोल्डर का नाम रख दिया सोलर, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन, ठीक है, एक बार क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद मैं जैसे सेकंड टाइम क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एफ ड्राइव में अब हमने सोनल नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जो आपको अच्छा लगता है इस फाइल के लिए, जैसे फर्स्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। और हम क्लिक करेंगे फिर सेव किया, तो ये हमारी एफ ड्राइव के अंदर सोनल नाम का जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर हमारी फाइल सेव होगी और यहाँ पे टाइटल के ऊपर भी इसका नाम आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिंद।